चलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से फेस के साथ आया हूँ और आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाने के लिए एक राइट वे क्या होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। तो इस टॉपिक में इसलिए मैं आपसे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे मार्केट में ऐसे हैं जिन्हें डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाना तो है लेकिन उन्हें वे नहीं पता, उन्हें एक राइट वे नहीं पता कि डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाने के लिए एक प्रॉपर वे क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी जाना है, अगर आप उसका वे नहीं जानते तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस लोकेशन में पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। राइट, समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। अब मान लीजिए आपको दिल्ली से लद्दाख जाना है और लद्दाख जाने के लिए अगर आपको वे नहीं पता, रास्ता नहीं पता, कितने ऑप्टिकल्स आएंगे ये नहीं पता, कितने मोड़ आएंगे, कितना लोकेशन आएगा जहां जहां आपको रुकना है ये नहीं पता, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डेस्टिनेशन में पहुंच तो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे, और वहीं पर अगर आपको वे पता है तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, जो एक टाइम होता है उस टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाना तो है लेकिन पहले आपको उसका वे पता होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे मुझे फोन करते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर, डेवऑप्स को करने के लिए सबसे पहले क्या पढ़े, हम लोग कौन सा टूल पढ़े, ये सारी चीजें मुझसे पूछते हैं। या कई बंदे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर, हमने पाइथन कर लिया है, अब क्या करें। मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है भाई, आपने पाइथन कर लिया और क्या क्या कर लिया, तो बोलते नहीं सर, सिर्फ हमने पाइथन कर लिया है। ऐसे आंसर वो लोग मुझे देते हैं। पाइथन अच्छी बात है, पाइथन आपका सैलरी बढ़ाएगा, पाइथन डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले नहीं है, शुरू में नहीं करना पाइथन आपको। राइट, तो यही चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना करूंगा अभी इस वीडियो में कि पहले कौन सा टूल करना है, सेकंड नंबर पे कौन सा टूल करना है, थर्ड में कौन सा टूल करना है, फोर्थ में कौन सा करना है और लास्ट में जाके कौन सा करना है। राइट, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब मान लीजिए एक बिल्डर है, अब एक बिल्डर बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे फर्स्ट वे क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है। तो कोई भी बिल्डर अगर बिल्डिंग खड़ा करेगा या आप भी अगर घर बना रहे हो, तो सबसे पहले होता है कि बिल्डिंग खड़ा करने से पहले उसके फाउंडेशन हमें रेडी करने होते हैं। फाउंडेशन के बाद क्या करना होता है, पिलर खड़े होते हैं, उसके बाद लेंटर डाला जाता है, उसके बाद दीवार खड़े होते हैं। राइट, उसके बाद दरवाजे, खिड़कियां, ये सारी चीजें लगती हैं। फिर जब सब कुछ रेडी हो जाता है, पूरा बिल्डिंग, तब हम लोग क्या करते हैं, पेंटर को हायर करते हैं और दीवालों में पेंट कराते हैं, अपनी बिल्डिंग में पेंट कराते हैं। राइट, लेकिन अगर यहीं पर हम लोग ये मिस्टेक कर दें कि हमारा अभी बिल्डिंग रेडी नहीं है, हमारा घर रेडी नहीं है, हमने क्या किया, पेंटर को हायर कर लिया, कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया। आपका बिल्डिंग ही रेडी नहीं है, आपका घर ही रेडी नहीं है, आपने पेंटर को हायर कर लिया, कहां पेंट कराएंगे, आसमान में, हवे में। इसी तरीके से हम लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं। हमारा डेवऑप्स के जो फाउंडेशन वाले टूल हैं, जो मेजर टूल्स हैं, वो हमने रेडी नहीं किया, हमने पाइथन कर लिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपका बिल्डिंग अभी तक रेडी नहीं है, आपने पेंटर हायर कर लिया, वही मिस्टेक आपने आईटी इंडस्ट्री में कर दिया। आप डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते थे लेकिन आपके फाउंडेशन वाले टूल अभी क्लियर नहीं हुए, आपने पाइथन कर लिया। कहाँ यूज करोगे भाई, भाई पाइथन को डेवऑप्स के टूल में ऑटोमेशन करने के लिए तो यूज करोगे ना, आप स्क्रिप्ट बनाने के लिए कि डेवलपमेंट करने के लिए करोगे, डेवलपर तो होने की आप डेवलपमेंट करोगे पाइथन से। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड डेवलपर का होता तो चलो समझ में आती ही चीज है, लेकिन आपका बैकग्राउंड डेवलपर का नहीं है, आपका बैकग्राउंड है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, जो आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो डेवऑप्स के लिए, है ना। डेवलपर का होता तो समझ में आता है, ठीक है भाई, डेवलपर पहले जावा पे कोड लिख रहा था, पीएचपी पे लिख रहा था, सी प्लस प्लस पे लिख रहा था, अब कंपनी ने बोला पाइथन पे लिख, तो उसने पाइथन पहले पढ़ लिया, उसके लिए समझ में आता है, आपके लिए नहीं आता समझ में। तो आपने 3-4 महीना पाइथन करने में लगा दिया, कोई फायदा नहीं, यूजलेस हो गया। राइट, जब वो आपके लिए यूज आएगा तब तक आप भूल चुके चीजों को, फिर एक महीना रिवाइज करिए। तो मैं चाहता हूं ये मिस्टेक आप ना करें। राइट, समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। मान लीजिए आप कहां जाना चाहते थे, लद्दाख जाना चाहते थे,
ठीक है ना, दिल्ली से लद्दाख, है ना। आप बहुत फास्ट चल रहे थे, आप बोलते हो मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ, बहुत एनर्जी भरा काम करता हूँ। आपको जाना था दिल्ली से लद्दाख, लेकिन आपने क्या क्या पता है, दिल्ली से मुंबई के साइड जाना स्टार्ट कर दिया। जाना कहाँ था, लद्दाख, लेकिन आपने मुंबई साइड चले गए और बहुत तेज जा रहे हो। कोई फायदा है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में कितनी भी तेज भागो, कोई फायदा नहीं दोस्तों, राइट। इसी तरीके से अगर आपको डेवऑप्स फाइल पे जाना है और अगर रॉन्ग डायरेक्शन में तेज भी चलोगे, कोई फायदा नहीं। इसीलिए समझाना चाहता हूं कि एक राइट वे को फॉलो करोगे, जल्दी अचीवमेंट मिलेगी, जल्दी जॉब लगेगी। अब बताता हूं राइट वे क्या होता है। जिस तरीके से बिल्डिंग रेडी करने का राइट वे आपको पता चल चुका है और पहले से पता है, वहां बहुत दिमाग लगाते हो, यहां पर आप मिस्टेक कर देते हो आईटी इंडस्ट्री में। तो डेवॉप्स फाइल प्रोफाइल पे जाने के जो राइट वे है, वो राइट वे ये है। सबसे पहले आप लिनक्स करें, सेकेंड नंबर पे आप AWS करें, थर्ड पे आप डॉकर करें, फोर्थ में क्यूबरनेटिस करें, फिफ्थ में आप एंसेबल करें, सिक्स नंबर पे आप गिटहब करें, गिटहब, सेवंथ नंबर पे आप जेनकिंस करें और एट नंबर पे आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, सबको मिला के इंडस्ट्री के हिसाब से एटलीस्ट पांच प्रोजेक्ट बनाएं। अब पांच प्रोजेक्ट बनने के बाद अब क्या करें, अब आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दें थोड़ा, अब आप इंटरव्यू दें, राइट। अब इंटरव्यू कैसे देंगे, तो सबसे पहले आप अपनी सीवी को प्रिपेयर करें, सीवी बनाएं, naukri.com में सीवी अपलोड करें, आपके पास कॉल्स आएंगे, इंटरव्यू दें। आपको ये नहीं सोचना है कि जॉब मिलना है, आप इंटरव्यू दें, एटलीस्ट पांच इंटरव्यू दीजिए, पांच, ऐसा समझिए, पांच इंटरव्यू तो मुझे देना ही है, प्रिपरेशन है ये, ऐसा समझ लीजिए। नाइन्थ नंबर का टूल है इंटरव्यू, राइट, डेवॉप्स का नाइन्थ नंबर का टूल इंटरव्यू है, ये समझ लीजिए। इंटरव्यू दें, इंटरव्यू देंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आंसर कैसे दिए जाते हैं, राइट। अब कई बंदे बोलते हैं ठीक है सर आपने बोल दिया इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो कहते हैं डेवॉप्स का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देता हूं मैं आपको, इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, राइट। अब आप बोल रहे हो सर झूठ बोलना सिखा रहे हो, बिल्कुल सिखा रहा हूं, क्योंकि आपको एक बात नहीं पता, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो वो कंपनी आपके साथ कितना झूठ बोलती है। जितनी भी आप सर्विस बेस्ड कंपनी उठा लो, HCL, विप्रो, TCS, एक्सेंचर, ये सब आपके साथ झूठ बोलते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, हायर करते टाइम पे। आपको किसी और प्रोफाइल पे हायर करेंगे, काम किसी और प्रोफाइल पे कराने लगते हैं, ये तो कुछ नहीं है। और बड़ी झूठ बताता हूं मैं आप, जो आपसे ये कभी शेयर ही नहीं करते हैं। देखो होता क्या है, ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ना, ये बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट ले लेते हैं लोग, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपको हायर कर लेते हैं। और क्लाइंट से पता क्या बोलते हैं, क्लाइंट से बोलते हैं हमने जिन बंदों को हायर किया ना, उन बंदों का एक घंटे का ये कॉस्ट है। तो क्लाइंट बोलता है ठीक है भाई दे देंगे। तो इस सर्विस बेस्ड कंपनी ने क्लाइंट को बोला कि हमने जो बंदा हायर किया है उस बंदे के एक घंटे का कॉस्ट $200 है, राइट। तो अगर आपकी कंपनी जहां पर भी आप हायर किए हो क्लाइंट से, वो आपके लिए $200 ले रही है एक घंटे का, तो एक दिन में 8 घंटे काम कराते हैं लोग, तो हिसाब लगाइए, एक दिन में 8 घंटे काम कराते हैं, तो एक दिन में अगर 8 घंटे आपने काम किया, एक घंटे का $200 अगर क्लाइंट आपकी कंपनी को दे रहा है, तो कितना हुआ, $1600 एक दिन का, $1600 एक दिन का क्लाइंट ने आपकी कंपनी को दिया आपके लिए, ठीक है। अब आपकी कंपनी आपसे कितने दिन काम कराती है महीने में, 22 दिन, सैटरडे संडे छोड़ दो तो, है ना, 2 दिन का ऑफ देती है, 22 दिन, तो $1600 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, ये हो गया आपका $35,200। तो $35,200 क्लाइंट ने आपकी कंपनी को दिया आपके लिए। अब आपको, आप इसको इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करिए, तो 75 चल रहा डॉलर का, तो कितना होगा, 26,40,000 रुपए। तो 26,40,000 रुपए क्लाइंट ने आपकी कंपनी को आपके लिए दिया एक महीने में। अब आपकी कंपनी आपको कितने में हायर करती है ये देखिए। अब आपकी कंपनी ने आपको हायर कर लिया 8 लाख के पैकेज में, 10 लाख के पैकेज में, 15 लाख के पैकेज में, ज्यादा ज्यादा, देखिए कितने पैसे कमा गए लोग,
ये $200 तो कम है, बड़े बड़े प्रोफाइल पे तो 400-400, 1000-1000 डॉलर मिलते हैं। कितनी पैसे कमा गई आपकी कंपनी आपके थ्रू, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, कंपनी की प्राइवेसी है, कंपनी के पास रखिए, अच्छी बात है। लेकिन जब भी कुछ लॉस होता है, लॉस तो इनको कभी नहीं होता, कभी भी अगर आपका प्रोजेक्ट चला जाता है तो ये लोग आपके साथ क्या करते हैं, सोचा है आपने? प्रोजेक्ट चला गया ना, ये आपको बेंच में डाल देते हैं हाफ हाफ सैलरी के साथ, और 3 महीने तक अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला अगला कोई नया, फायर कर देते हैं। अब देखिए ना आप लोग कितना बड़ा मिस्टेक करते हैं आपकी करियर के साथ, तो क्या आप थोड़ा सा 2 झूठ नहीं बोल सकते, जिस झूठ से आपकी फैमिली की कंडीशन ठीक हो जाए? बहुत सारे बंदे ऐसे जिसके फैमिली बड़ी है और कोई जॉब करने वाला नहीं है। और समझाता हूँ, ये तो कुछ नहीं है, आप देखो क्लाइंट आपकी कंपनी क्लाइंट से पता क्या बोलती है कि आपके लिए हमने जो बंदा इंडिया में हायर किया है ना वो 50 किलोमीटर दूर रहता है, तो क्लाइंट बोलता है ठीक है कैब दे दो। तो इंडिया वाले आपकी कंपनी क्लाइंट को बोलेगी सर कैब का खर्चा तो 1000 रुपये पड़ता है एक दिन का। ठीक है कोई बात, 1000 रुपये क्लाइंट ने आपकी कंपनी को आपके लिए कैब के लिए दे दिया एक दिन का, 22 दिन आपने ऑफिस गए, कितना हो गया 22,000 रुपये। ठीक है 22,000 रुपये कैब का भी मिल गया। अब आपकी कंपनी क्या करती है आपके साथ पता है? अब मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 4 बंदे हैं तो 4 बंदों को 22,000 क्लाइंट आपकी कंपनी को देगा आपके लिए 22,000 रुपये, लेकिन आपकी कंपनी एक कैब हायर करेगी उसको 22,000 देगी, बोलेगी चारों को लेके आओ। अब देखिए इधर से भी 3 बंदों का 22,000 खा गए। बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो आपकी कंपनी आपके साथ करती है, तो थोड़ा सा आप भी चलाकी के साथ स्मार्टनेस के साथ काम करिए। अब समझाता हूं कि आपको चलाकी क्या करना है, झूठ क्या बोलना है कंपनी में जाके इंटरव्यू में। देखिए सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट आपने बना लिया, लाइव एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिल गया प्रोजेक्ट के थ्रू, क्लियर। अब क्या करना है, अब क्या होता है, 3 टाइप के बंदे हैं मार्केट में। एक तो बंदे हैं जो बीटेक अभी 2019 में पास आउट किए, एक बंदे ऐसे हैं जो 2-3 साल से एक्सपीरियंस है, कोई बड़ी एनवायरमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, वो लोग जस्ट क्या कर रहे हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे काम कर रहे हैं, क्लियर। एक है 10-15 साल एक्सपीरियंस बंदे, तीनों का बताता हूँ। पहला बंदा जो अभी बीटेक 2019 में पास आउट किया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्या करे, प्रोजेक्ट बनाए, राइट, इंटरव्यू में जाके बोले भाई ये प्रोजेक्ट है ये मैंने बनाया है, और अगर प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है तो प्रैक्टिकल करके भी दिखा दे, सारा प्रैक्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन करता है उनको कॉन्फिडेंस के साथ, तो इंटरव्यूअर ना आपके साथ कंप्रोमाइज करने को रेडी हो जाता है। क्यों रेडी होता है पता है? क्योंकि इंटरव्यूअर को लगता है यार ये बंदा फ्रेशर है, नॉलेज तो अच्छी है, हम तो 8 लाख का पैकेज देने के लिए सोच रहे थे, राइट, हम तो 8 लाख के बंदे को ढूंढ रहे थे, लेकिन इसके पास तो 8 लाख का तक का नॉलेज है, एक काम करते ना इसको 5 लाख में हायर कर लेते हैं, 3 लाख कंपनी का बचा लेते हैं। तो इंटरव्यूअर आपके साथ कंप्रोमाइज कर जाता है, लेकिन आप ऐसा तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लैब अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि लैब नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो ये तो हो गया सोल्यूशन फ्रेशर्स के लिए। दूसरा बंदा ऐसा होता है जो 2015-16 में बीटेक पास आउट किया और अभी छोटी मोटी कंपनी में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में काम कर रहा है या मॉनिटरिंग कर रहा है या ओएस पे काम कर रहा है, अब वो क्या बताएगा? तो उसके लिए ये है दोस्तों, लैब अच्छे से करिए, इंटरव्यू में जाके बोलिए कि भाई मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में या पास्ट कंपनी में या करंट कंपनी में मैं ओएस पे काम कर तो रहा हूं, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे डेवऑप्स के ऊपर भी काम करने के लिए देता है, ऐसा बोलिए उनसे। पूछेंगे भाई क्या देता है, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए, बन गई गाड़ी आपकी। अगर प्रोजेक्ट आपने कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, इंटरव्यूअर बोलता है यार नॉलेज अच्छी है बंदों को, है ना, वहां पर इंटरव्यूअर फिर आपके लिए कंप्रोमाइज करने के लिए सोच लेगा, बोलेगा एक काम करते हैं यार इसको ना 7 लाख में रख लेते हैं, चलो ठीक है 1 लाख फिर भी बचा लिया, क्लियर। अब अगला एक्सपीरियंस बंदे के लिए क्या होगा, एक्सपीरियंस बंदा जो होता है जो 10 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल से नेटवर्क पे काम कर रहा, 10 साल से मॉनिटरिंग पे काम कर रहा, राइट, उसे भी यही करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा मेरा पास्ट करंट प्रीवियस कंपनी में मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर तो हुआ था, लेकिन मैं पिछले 2-3 साल से डेवऑप्स पे काम कर रहा हूं। पूछेंगे भाई क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर दीजिए, बात खत्म।
थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। और इंटरव्यूअर से बात करना एक्सपीरियंस बंदों के लिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई इंटरव्यू निकाल चुके होंगे। ठीक है, चलो ये तरीका है जॉब लेने के लिए। अब इसमें एक मिस्टेक होता है, आप एक इंटरव्यू में फेल होंगे, दो में फेल होंगे, तीन में फेल होंगे, पांच में फेल होंगे, छठवें इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको मिल जाएगी जॉब, 100% मैं बोलता हूं। क्योंकि पांच इंटरव्यू देने के बाद आपको इतनी आइडियाज आ जाते हैं ना कि पूछता क्या, मंजे हुए बंदे हो जाएंगे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठने के लिए। ये हो गया, अब चलो आपने जॉब ले लिया। अब जॉब लेने के बाद अब क्या करना है, अब आपको रुकना नहीं है दोस्तों, अब आगे क्या करना है आपको, अब आगे डेवॉप्स के जो बाकी के टूल छोड़ दिया था हमने, अब उनको कंटिन्यू करना है। क्योंकि जेनकिंस के बाद हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के बाद हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, अब क्या करना है, अब आगे के टूल कंटिन्यू करिए। कौन कौन से, टेराफॉर्म, नेगियोस, पाइथन, आप पाइथन करिए अपने जॉब को और सिक्योर बनाने के लिए, हटके बंदा बनने के लिए पाइथन कर लीजिए अब। तो अब अगर आप पाइथन कर लेंगे तो आगे के जो नए बंदे डेवॉप्स में आएंगे उनसे आप आगे रहेंगे, आपको पाइथन आता है, आप पाइथन से सब कुछ कर लेते हो डेवॉप्स में, ये होता है एक राइट वे दोस्तों। अब पाइथन भी हो गया, अब क्या करें, उसके बाद आपको पता है डेटा साइंस आ रहा है मार्केट में, आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब करिए, ये सब आपके अगले 5 साल की जॉब को सिक्योर करेगा। और ये डेटा साइंस, पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के वीडियो मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, ये मेरी पाइपलाइन में है। ये करेंगे तो आपके 2025 का जॉब सिक्योर हो जाएगा, 2030 का जॉब सिक्योर हो जाएगा, 2030 तक के आपके जॉब सिक्योर हो जाएंगे, 35 तक के भी हो सकते हैं अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जाते हैं तो। राइट, बहुत से और भी चीजें, ओपन शिफ्ट है, इनको कर लीजिए। तो ये आपको करना होगा तब जाकर आपकी गाड़ी बनेगी। और रुकना नहीं है, लर्निंग प्रैक्टिकल करते रहना है। एक चीज और बता देता हूँ, कई बंदे मुझसे एक और सवाल पूछते हैं, सर डेवॉप्स के लिए क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है? तो मैं उन सब बंदों को बता दूं, दोस्तों डेवॉप्स के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए। जो भी हम डेवॉप्स के लिए ऑटोमेशन करते हैं वहां पर हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो यामल होता है, जैसन होता है, जो बहुत ही प्लेन टेस्ट में होता है, इजिली अंडरस्टैंड होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं है। लास्ट में फिनिशिंग लाने के लिए पाइथन कर लीजिएगा बस। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डेवॉप्स को करने के लिए राइट वे क्या है, उसके बाद वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं। तो राइट वे क्या है, सबसे पहले आप पाइथन लिनक्स करें, फाउंडेशन मजबूत करें, उसके बाद AWS करें, उसके बाद डॉकर करें, क्यूबरनेटिस करें, एंसिबल करें, गिटहब करें, जेनकिंस करें, प्रोजेक्ट बनाएं, इंटरव्यू जाएं, 5 इंटरव्यू एटलीस्ट दें, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएं, देन उसके बाद बचे हुए टूल्स करें। राइट, बचे हुए टूल्स क्या हो गए आपके, जैसे आपके टेराफॉर्म हो गए, नेगियोस हो गए, पाइथन हो गए, एजोर कर लें, राइट, दो दो क्लाउड हो जाएगा, बेनिफिट होगा, गूगल क्लाउड कर लें, ओपन शिफ्ट कर लें, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, अपने फ्यूचर्स को सिक्योर रखें दोस्तों। आज जिन जिन बंदों की जॉब गई है उन बंदों से जरा आप पर्सनली पूछें, वो आपको बताएंगे क्यों गई है। इसीलिए गई है क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया ही नहीं था कभी, उन्हें क्या लगता था कि जिस प्रोफाइल में बैठे हैं उसी से पूरी जिंदगी कटने वाली है, इसीलिए उनकी जॉब गई है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ, प्रैक्टिकल्स के साथ, कोई नया प्रोजेक्ट लेके आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।